नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। आज जहां लोगों को शहरों में रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, वहीं राजधानी रायपुर का एक मोहल्ला है भैरव नगर, जो गोकुल नगर से लगा हुआ क्षेत्र है। यहां बिल्डर अपनी मनमानी के चलते अवैध प्लॉटिंग करते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय पार्षद और रहवासियों के मुताबिक इस मोहल्ले में पहले नाले और खदानें हुआ करती थी, जिसे ज़बरदस्ती पाटते हुए वहां कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि साल 2015 से पार्षद कमल साहू इस मामले की शिकायत करते हुए कई दफ़ा निगम दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोन अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है, जिसकी रसीद और आवेदन उन्होंने अब तक संभाल कर रखे हैं। ये दस्तावेज कितने वक्त से देते आ रहे हैं आप? ऐसी कई सारे दस्तावेज हैं जो आपके सामने पड़ा है। ये 2015-16 से मैं देते आ रहा हूँ, जो इतना सारा और है, इससे ज़्यादा और है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसे पार्षदों की अगर बात नहीं सुनेंगे, पार्षदों की जो अवलोकन करा रहे हैं, बता रहे हैं जिस चीज क्षेत्र में जो है, उस चीज में अगर ध्यान नहीं देगा शासन प्रशासन, तो अवैध तरीका से प्लाटिंग होता रहेगा और पब्लिक दर दर भटकते रहेंगे। सबके संज्ञान में मामला आने के बावजूद इन बिल्डरों और इन्हें ज़मीन अलॉट करने वालों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले में समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित की गईं, मगर इसे शासन प्रशासन की लापरवाही कहें या बिल्डरों का रसूख, इनके प्रोजेक्ट्स पर आंच तक नहीं आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह विधायक की तस्वीर के आड़े ज़मीन पर कब्जा किया गया है। एचक खदान का एक मामला है इमली झाड़ वाले, उसमें प्लाटिंग हो रहा है। जो जलाशय है, जो खदान था पहले पूर्व में, उसको पाट करके उसमें निर्माण हो रहा है। उसमें भी 1.25 एकड़, मतलब लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि उधर सा रोड था, उसमें अब बिल्डर ने पूरी बाउंड्री वॉल कर दिया है। उसके जाँच के लिए भी मैं कई बार आवेदन लगाया था, लेकिन उसमें जाँच टीम नहीं बैठी ना कुछ हुआ। यहाँ पर खदान को भी पाट करके प्लाटिंग किया जा रहा है, इसके भी मैं शिकायत दिया, कई बार न्यूज़ चैनल में भी आया, पेपर में भी आया, उसके बावजूद भी आयुक्त महोदय के भी दिखाया, उसके वो कोई संज्ञान में नहीं लिया, न काम नहीं किया है इस चीज़ में भी। जैसे बोरिया खुर्द में तो आप देखोगे या जाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि अवैध तरीका से कैसे प्लाटिंग हो रहा है। इसमें डूंडा के कई क्षेत्र में जो मेन रोड में प्लाटिंग हो रहा है, पेपर मिल के बगल से प्लाटिंग हो रहा है, उसमें भी घास जमीन को कब्जा करके उसमें रोड निकाल दिया है। यहाँ के रहवासी भी इस बात से सहमति रखते हैं कि जब से उनके मोहल्ले में अवैध प्लाटिंग शुरू हुई है, उन्हें लगातार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अवैध प्लाटिंग हो रहा है अवैध क्षेत्र में, तो उसका कोई बनना कोई जरूरी नहीं है, नाली वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है, और बार बार पार्षद को आके बोलते हैं तो वो भी क्या कर सकता है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं पार्षद। यहाँ खदान मदान पट रहे हैं और पानी वानी का व्यवस्था नहीं है, नाली वाली कुछ नहीं है, और हम लोग बार बार पार्षद को परेशान कर रहे हैं, तो पार्षद क्या करेगा, वो तो ऊपर जा के बात करते हैं लेकिन काम हो नहीं रहा है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए पार्षद को बार बार तंग कर रहे हैं। बहरहाल इस अवैध प्लॉटिंग के मामले में अगर जांच कमेटी गठित करते हुए उचित कार्रवाई की जाए तो कई सफ़ेद पोशों के नाम उजागर होने की संभावना है। आने वाले समय में अगर निर्माण कार्य बची हुई खदानों और अवैध प्लॉटिंग करते हुए किया जाए तो शायद आश्चर्य की बात नहीं होगी। खबर जी न्यूज़ के लिए रायपुर से कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।